अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फिज़ा नदीम। क्या करती हो? मैं जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हूँ। अच्छा फिज़ा, मुझे ये बताओ कि आपका ख्याल में जो कौन सी पार्टी बेहतर है, पीटीआई की जो कि अभी कुछ दिन पहले तक हुकूमत थी, या जो अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होने के बाद? ऑफकोर्स पीटीआई। क्यों, क्या वजह? क्योंकि वो एक ऑनेस्ट मैन है, ठीक है, और उसकी जो पार्टी है वो उसका साथ नहीं देती, उसकी वजह से उसकी जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर सकी। लेकिन जो एक ऑनेस्ट मैन है हमें उसका साथ देना चाहिए और उसकी ही हमें करनी चाहिए कि इसकी हुकूमत रहे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों आप शहबाज शरीफ की हुकूमत को सही नहीं समझ रही? कि आजकल वो क्या आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको क्या ऐसा है जो आपको नहीं नज़र आ रहा? आपने देखा होगा कि जब इमरान खान था तो इतना लोड शेडिंग का इशू नहीं था, अब जैसे ही शहबाज शरीफ आया तो लोड शेडिंग का इशू स्टार्ट हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे महंगाई मार्च की गई और उसी की बेस पे जो है वो निकाला गया इमरान खान की गवर्नमेंट को, तो क्या अब महंगाई ख़त्म हुई है या आपको ख़त्म होती नज़र आई है? महंगाई वैसे ही चल रही है और पहले उसकी हुकूमत में भी थी, अब इस हुकूमत में भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें उस इंसान को देखना चाहिए जो ऑनेस्ट है, ठीक है, जो अपने मुल्क के साथ, जो अपनी कौम के साथ ऑनेस्ट है, क्योंकि ये जो है नवाशी वगैरह ये ऑनेस्ट नहीं है। तो मतलब महंगाई भी अभी तक उतनी है, कि आपको लगता है कि ये लोग बेहतर कर लेंगे अगर इन्हें थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए? अगर ये बेहतर कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो फिर इनकी हुकूमत जाएगी और फिर इमरान खान दोबारा आ जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन हो जाने चाहिए या अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि अपने आप को बेहतर कर लें या अप्रूव करें? इलेक्शन हो जाने चाहिए क्योंकि सारी आवाम इमरान खान के साथ है और उनको पता है कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आएगा, इसीलिए वो अभी लेट कर ही जा रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। और आपको ये लगता है कि जैसे इमरान खान को जैसे काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी दे दिए गए हैं, तो उसके बाद लोगों की आपको तादाद उसके साथ ज़्यादा होती नज़र आई है, या आपको लग रहा है कि उतने ही अभी तक उसकी सपोर्ट कम हुई है या ज़्यादा? ज़्यादा है। अब ज़्यादा होती? कैसे? क्यों, देखने में पता चल जाता है ना, जैसे उसके जलसे वगैरह होते हैं उसमें भी कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है, जबकि वो जब करते हैं जलसा तो इतने लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। चलें, अल्लाह करे कि जो भी है बेहतर हो। थैंक यू सो मच फिज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबरू। क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले तक जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट थी और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, तो आपका ख्याल में कौन सी जो हुकूमत है वो बेहतर काम कर रही थी या बेहतर हमारे मुल्क को लेके चल रही थी, और क्या कौन सी थी वो? मेरे ख्याल में पीटीआई ज़्यादा बेहतर लेके चल रही थी, क्योंकि आप खुद देखें, मतलब सबने पहले शोर मचाया था कि इमरान खान के उसमें हुकूमत में इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, बट अब देखें अभी अभी जो शहबाज शरीफ आया है तो उसने क्या किया, क्या चीज़ सस्ती हुई है? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, कुछ भी महंगाई कम नहीं हुई, ठीक हो गया। और दूसरी बात क्या है, आपको जैसे महंगाई, उन्होंने तो महंगाई मार्च बाकायदा की थी, इसी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कामयाब हुई थी उसी के ऊपर इमरान खान को निकाला गया, तो अब इनकी गवर्नमेंट में भी आपको महंगाई दिख रही है जैसा कि आपने बताया, तो इनके लिए आपको लग रहा है कि कोई चांसेस हैं कि ये टाइम के साथ साथ इसे कम करेंगे? लगता तो है, क्योंकि देखें पहले भी शुरू से इन्होंने हुकूमत को खाया ही है, ठीक है, हमेशा से इन्होंने उनका क्या कहते हैं गलत यूज़ किया। और दूसरी बात ये कि तो अभी मुझे यही लगता है कि जैसे दूसरों के कर्ज़े ले लेके, जो इमरान खान कर्ज़े उतार रहा था, इन्होंने कर्ज़े ले के अब ये दोबारा वही सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा और हमारी हुकूमत को कर्ज़े ले लेके कर्ज़े में डुबा देगा, और थोड़ी सी तो मुझे लगता है शायद क्या कहते हैं कम महंगाई कर देंगे, बट अभी मुझे कोई चांस नहीं लग रहा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका टाइम पीरियड थोड़ा ही है, इमरान खान वापस आ जाएगा। अच्छा, तो आपके ख्याल में इलेक्शंस हो जाने चाहिए या टाइम इनको देना चाहिए कि बेहतरी की तरफ आ जाएं? मेरे ख्याल में टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि देखें अभी वो आए हैं, अब टाइम उनको दिया, अब देखते हैं ना अगर वो वापस आए हैं क्या स्ट्रेटजीज हैं उनकी, तो इससे ही पता इन हुकूमत को आइडिया हो जाएगा कि देखो इमरान खान क्या कर रहा था और वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम लेके देख लें तो सबको आइडिया ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो जैसे कि पीटीआई की आजकल डेली जो है वो जलसा चल रहा है और उसमें वो यही एक डिमांड कर रहे हैं कि हमें इलेक्शंस की डेट चाहिए, तो मतलब आपके ख्याल में अभी इनको टाइम दे देना चाहिए ताकि लोग वाज़ह होकर फ़र्क इनमें देख सकें? मैं कहती हूँ दे देना चाहिए टाइम, बिल्कुल करें,
ताकि लोगों को पता चले कि क्या गलत है क्या सही, लोगों को गलत सही की पहचान हो, लोगों को सही समझ आए। लोग इमरान खान को जब उसकी हुकूमत थी भी तब भी बोलते रहे थे कि काफ़ी लोग बोलते आए कि जी आपकी इतनी महंगाई कर दी है, मार दिया, ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर अब क्या कहते हैं लोगों को अब पता चलेगा, ऐसा ऐसा ही लोग इस चीज़ से उनको पता चलेगा कि देखें इमरान खान था और अब नवाज शरीफ आ गया है तो देखें वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा था। अब लोग ज़्यादा बेहतर से डिफरेंस उनको पता चलेगा और वो ज़्यादा बेहतर से बता सकेंगे। अच्छा, अब आपके ख्याल में उनको टाइम देना चाहिए ताकि लोग उनमें डिफरेंस जो है वो देख सकें कि उसकी गवर्नमेंट में क्या था या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में क्या है, और ताकि लोगों को एक सही से सोच उनको जो है वो डेवलप हो सके कि दोनों को टाइम इतना ही दिया गया लेकिन किसने बेहतर ज़्यादा काम किया। दोनों को टाइम देना चाहिए, मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि आपको टाइम देना चाहिए ताकि आप लोगों को वाजिया पता चले। मतलब इलेक्शन अपने टाइम पे ही हूँ। हाँ जी, इलेक्शन टाइम पे ही हूँ। थैंक यू सो मच आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान। पूरा नाम? इमरान नाम के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा इमरान खान जैसे ही होते हैं। ठीक हो गया, मतलब आप अपने आप को तशबीह देना चाहेंगे इमरान खान से? नहीं, तशबीह हम दे ही नहीं सकते, वो बहुत बड़े लीडर हैं और हम तो ना चीज़ से बंदे हैं। अच्छा, खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके ख्याल में कौन सी हुकूमत जो है वो बेहतर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या शहबाज शरीफ? हुकूमत बेहतर का मेरे ख्याल में तो अब तो सबको समझ आ जानी चाहिए कि कौन सी हुकूमत बेहतर थी और कौन सी हुकूमत इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अभी जो रिसेंटली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है उन्हें जानी चाहिए थी, इस मुल्क के मुफाद में तो यही था, मैशत तरक्की कर रही थी, हर चीज़ पटरी पर चढ़ चुकी थी, तरक्की का पहिया घूम रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी, बिजली पानी गैस हर चीज़ के मसाइल हल होने जा रहे थे, आवाम को रोज़गार मिल रहा था, 55 लाख लोगों को रोज़गार मिल चुका था एक रिपोर्ट के मुताबिक, और मैशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। मेरा ख़ुद भी एक इंडस्ट्रियल इदारे से ताल्लुक़ है जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे पास सारी इंडस्ट्री के लोग जाते हैं, तो हमें तो फौरी तौर पे पता चल गया इस गवर्नमेंट के जाने के 1 से 2 हफ्तों के बाद के मुल्क अब बड़ी तेज़ी से जो तरक्की कर रहा था अब उसका सफ़र जो है वो तेज़ी से उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इनसे नहीं संभल सका कोई, हर चीज़ हमारा मीडिया बहुत प्रोपेगेंडा करता रहा है कि खान साहब के दौर में कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्होंने कुछ किया नहीं है। हालांकि हमारी खारजा पॉलिसी की तरफ देखें, दुनिया की बेस्ट खारजा पॉलिसी थी, लोग उसको सराह रहे हैं, अभी तक लोग सराह रहे हैं खान साहब की पॉलिसीज़ को। उसके बाद महंगाई का जो हमारे सो कॉल्ड नकादों ने जो एक शोर मचाया हुआ था, उन्होंने तो पूरी एक महंगाई मार्च बकायदा की थी। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि अब महंगाई का इशू किधर गया, अब कहाँ हैं वो लोग, किधर हैं वो लोग, नज़र नहीं आ रहे, अब महंगाई का प्रोपेगंडा नहीं हो रहा, अब तो बल्कि ये कहा जा रहा है, डिफेंड किया जा रहा है इस गवर्नमेंट को कि महंगाई जो उनसी है वो एक आलमी मसला है। तो क्या खान साहब के दौर में आलमी मसला नहीं था? जिन दिनों कोरोना था उन दिनों ये आलमी मसला नहीं था? ये तो आपने खान साहब की स्पीचेस में भी सुना है जो वो बोल रहे हैं कि अब तो मीडिया वैसे ही गायब हो गया महंगाई करते करते, तो क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे नेगेटिव किरदार अगर किसी ने अदा किया ना तो वो मीडिया ने किया है, खान साहब पे बेजा तनकीद करके और बेजा शोर मचा के। अब वही इश्यूज़ जो इमरान खान साहब के दौर में उठाए जा रहे थे या लोगों को कहा जा रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, अब वही सब कुछ हो रहा है और वही मीडिया उनको सराह रहा है। 90 डिग्री नहीं, 360 डिग्री का जो उनसा है उन्होंने वो टर्न लिया। तो देखें अब अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करें इंशाल्लाह। तो अब बहरहाल हमारे मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत आ चुकी है, हम लोगों को वैसे इम्पोर्टेड चीज़ें बड़ी पसंद हैं तो भुगतें। तो अब आपका क्या ख्याल है, खान साहब वापस आएंगे या क्या आपको लग रहा है ये जो आजकल जितने भी जलसा हो रहे हैं हर हर शहर में हो रहा है, तो आपको क्या इससे लगता है? मेरा तो एक ईमान है कि जिस बंदे की नीयत सही हो और वो सच्चा हो तो अल्लाह में उसका साथ देते हैं। इन लोगों ने तो ये सोच लिया था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है, इसको जिस तरह से मर्ज़ी हटा लें, लोगों ने क्या कहना है, लोग बल्कि ख़ुद इसके खिलाफ सड़कों पे आएंगे। तो एक फैसला आप कर रहे होते हैं, एक अल्लाह ताला की ज़ात कर रही होती है। आपके आपको क्या लगता है कि इस सब के बाद जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कामयाब हुई है इसके बाद लोगों की सपोर्ट ज़्यादा हुई इमरान खान के साथ या कम हुई है, और कितने लोगों ने पार्टीज़ मतलब बदली हैं? ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ना जो ये पेश की गई थी इस जितने भी ये नाम ने हाथ इस वक्त गवर्नमेंट में जमाते हैं ना, इनका अवाम में कॉन्फिडेंस लो कर दिया है, बल्कि आप कह रहे हैं कि लो कॉन्फिडेंस मोशन होगी इनके लिए ये। अब तो इमरान खान की तो अल्लाह ताला ने पॉपुलैरिटी में भी इजाफ़ा कर दिया, उसकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा कर दिया, तो अब इनका देखते हैं, अल्लाह ताला करे इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो हो। आमीन, थैंक यू सो मच।